You know, my mouth is watering. Even as I'm holding this pathar ka gosht in my hand. So folks, welcome to another episode of Gourmet on the Road. And in this episode, we're going to be cooking some traditional Hyderabadi delicacies. We are here at the Novotel Hyderabad Convention Center and I'm here with Chef Iqbal. Chef Iqbal is going to be cooking up two very interesting Hyderabadi delicacies. So Chef, kya bana rahe hain aaj? Sir, main yahan pe abhi pehle aapko banaunga patthar ka gosht aapke liye. Patthar ka gosht? Ji haan. Patthar ka gosht, ye jo patthar hai, dekh rahe hain, ye granite hai. Granite hai? Ji. ये काफी टाइम लगता है गरम होने के लिए और अच्छा मजबूत भी होता है अच्छा और इसमें अगर हम कोई भी मीट डालते हैं पकाने के लिए तो ये बहुत अच्छी तरह से पक जाता है इसमें सो ये पत्थर का गोश्त का जो ट्रेडिशन है कब से शुरू हुआ ये कई सालों से है ये इसका मीनिंग एक अलग है अच्छा इसका एक स्टोरी भी है क्या है स्टोरी क्या है जब निजाम एक बार बाहर गए थे हाँ कहीं कुछ मीटिंग से या कुछ काम से गए थे हाँ तो वहाँ पे जाने के बाद में उनके जो शेफ उनके साथ में गए थे उनका शेफ उनका सिकंजा और सरिया लेके जाने के लिए भूल गए अच्छा जब उन्होंने भूल गए वहाँ जाने के बाद उन्होंने सोचा कि अरे अभी तो खाना खाने का टाइम हो गया हाँ। और नवाब साहब को कबाब बना के देना है हाँ। तो क्या उन्होंने देखा सब तरफ कुछ उनको मिला नहीं हाँ। तो उन्होंने क्या क्या एक मार्बल दिखा हाँ। उन्होंने वो पत्थर उठा के रखा हाँ। रख के उसमें पकाया पकाने के बाद में उन्होंने नवाब साहब को दिया हाँ। बाद में नवाब साहब को एक्सप्लेन किया कि मैंने ऐसा ऐसा किया था ये मैं बनाया तो नवाब साहब ने बहुत खुश हो गए बोले अरे ये तो बहुत अच्छा कबाब है सो ये काफी गर्म है ये जी हाँ तो ये किस पे ये चारकोल का फायर है चारकोल का फायर है जी सो वी विल लुक एट द मेकिंग ऑफ द पत्थर का गोश्त राइट फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स to the time that the gosht is cooked on the pathar to become then the pathar ka gosht. ये मटन स्लाइस मैं ले रहा हूँ मटन स्लाइस जी हाँ ठीक है इसमें कितना मीट होगा लगभग ये कुछ आधा किलो तक होगा आधा किलो का मीट जी हाँ तो शेफ इसमें पहले जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट ठीक है ये लेमन जूस है लेमन जूस जी हाँ दो स्पून लेमन जूस जाएगा इसमें सो सम मस्टर्ड ऑयल इज गोइंग इनटू इट दो टेबल स्पून ये आधा किलोमीटर उसमें अब हम यहाँ सॉल्ट से स्टार्ट करें नमक से ये नमक हम आप डालेंगे एक चम्मच एक चम्मच मसाला ये क्या था ये पोटली का मसाला पोटली का मसाला जी ये हल्दी थोड़ा डालते हैं ताकि जो मटन में जो बिसानपन होता है वो नहीं आने के लिए क्या नहीं आने के लिए जो स्मेल आता है ना अच्छा जो मटन का जो हाँ, स्मेल आता है जो हाँ उसकी ये हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च जी हाँ तो स्पाइसी होता है ये कबाब ये थोड़ा स्पाइसी होता थोड़ा स्पाइसी होता है ज़्यादा नहीं आपका ये स्पेशल किचन मसाला अच्छा उसके बाद ये है जीरा पाउडर जी हाँ अब हम डालेंगे ये धनिया पाउडर कोरिएंडर पाउडर जी ये है हमारा गरम मसाला अच्छा हाँ आपका गरम मसाला है वो ये है पत्थर का पत्थर का फूल अब इसमें डलेगा गुलाब का फूल गुलाब का फूल हाँ ये गुलाब का फूल एक चम्मच अच्छा अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छा इसको मिक्स करने के बाद हम इसको मिनिमम 45 मिनट तक रखेंगे रखेंगे हाँ फिर उसके बाद हम उसको ग्रिल करेंगे ठीक है तो अब मिक्स करें you can see that all the spices that were here have gone into that meat and that's now being massaged mixed into the meat The chef is trying to make sure that he gets the flavors of all the spices into the meat. That's what he's trying to do here. हाँ शेफ आप बता रहे थे ये काफी मसाले हैं जो इसमें सारा चीज का फ्लेवर आपको आ रहा होगा हाँ आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा हर रेसा रेसा भी इसमें मसाला पकड़ लेगा हाँ फिर उसके बाद हम इस स्टोन में डालेंगे पत्थर में डाल के इसको पकाएंगे हम और ऑल्सो ये जब आपने ये फ्लैट किया है तो ज़्यादा सरफेस एरिया बना है तो हाँ, ये ओनली मतलब
चंक्स रहते हैं, चंक्स रहते हैं, तो उसको आप मार के हैमर से फ्लैट करते हो. सो बिकॉज यू फ्लैटन इट, यू ऑल्सो हैव मोर सर्फेस एरिया ऑफ द मीट, सो यू हैव मोर सर्फेस एरिया फॉर द स्पाइसेस टू होल्ड ऑन टू द मीट, एंड दैट रिजल्ट्स इन दैट फ्लेवरफुल पत्थर का गोश्त. अभी ये पत्थर का गोश्त का मिक्सर हो चुका है. अच्छा, अब ये मसाला पूरा लग चुका है. अच्छा, अब हम इसको 45 मिनट रखेंगे, उसके बाद हम वो पत्थर में पकाएंगे. सो ये 45 मिनट ये फ्रिज में रहेगा? फ्रिज में नहीं, बाहर ताकि ये मसाला ऑब्जर्व करे. हाँ, सो द मसालाज हैव गॉन इनटू द मीट एंड ही इज नाउ गोना कीप इट फॉर अबाउट 45 मिनट्स. यस, इट्स गोना बी मैरिनेटेड फॉर 45 मिनट्स, allowing for all the spices, for all the powders, for the oils, for everything to get inside that meat completely and render it flavorful before it goes on the pathar for this gosht to become the pathar ka gosht. इसको थोड़ा ऑयल डालेंगे. और ये कौन सा तेल है? ये रिफाइंड ऑयल. रिफाइंड ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल हम डालते हैं. हाँ, उसके बाद थोड़ा देर ये हम मटन डालेंगे. हाँ, अभी थोड़ा और ऑयल डालेंगे. थोड़ा और ऑयल ऊपर से? हाँ. आई लव द साउंड ऑफ दैट सिजल that this meat is making as it kisses this hot pathar, the granite. So that masala is getting cooked and you can now smell some of that aroma. And as we've turned the meat, as we've turned it around, you can now, sir, you can see that the masala, that the meat is getting cooked slowly, and you can also smell some of that aroma in the air. और इसमें से जो जूस निकल रहा है, तो मटन का जो जूस होता है, ये आ रहा है. So there's some ghee that is now going on the pathar ka gosht. So chef, ghee से तो सब चीज एकदम tasty हो जाता है. लेकिन जो फ्लेवर है, जो पकने का फ्लेवर, जो घी में जो पकता है, जो घी पकने के बाद में उसका जो फ्लेवर आता है, वो आएगा. तो अभी टाइम हुआ पलटने को फिर से? जी हाँ, अभी सेकंड टाइम पलटी करने का टाइम हो गया. अच्छा, मैं अभी ये पलटता हूँ. सो दैट मीट इज बीइंग टर्न्ड. ओह, आई कैन स्मेल दैट अरोमा ऑफ दैट घी एंड सम ऑफ दोस स्पाइसेस राइज अप एंड ऑल्सो ऑफ दैट मीट, दैट स्मोकी अरोमा ऑफ द मीट. I'm getting impatient to taste this meat. You know, there's something about watching meat cook on fire. And in this case, the meat is cooking on a stone that's being heated with fire, with these charcoal. There's something delicious about watching meat getting cooked on a flame. So, how do you know, chef, that it's ready? It's ready when its color is like this. So the colors have to deepen. तो कलर एकदम डीप होना चाहिए. हाँ, डीप हो जाएगा. थोड़ा ऊपर से ऐसा मतलब शाइन जैसा आ रहा है. हाँ, क्रंची जैसे भी दिखेगा. हाँ, और बाद में उसके अंदर का मीट जूसी रहेगा. हाँ, so he says that when the colors begin to deepen and you can see that crust form on the meat, that's when you know that the meat is ready to be served. So the oil that is applied at the beginning is just to ensure that the meat doesn't stick to the stone in the beginning. But as the meat is cooked, the meat starts getting cooked in its own juices. बस हम थोड़ा देर और इंतजार करेंगे कैसे ये और थोड़ा सा crispy हो जाए ऊपर का. अच्छा, फिर आपको मैं खिलाता हूँ. किसी ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है. मीठा होता है, तो ये मीठा तो नहीं होगा लेकिन ये बड़ा टेस्टी जूसी होगा. ये नमकीन है, नमकीन है, स्पाइसेस है, स्पाइसेस है, खटास है. हाँ, और मसालेदार. सो इट्स गॉट द स्पाइसेस, इट्स गॉट अ बिट ऑफ टैंग एंड इट्स गॉट ऑल दैट मसाला दैट्स गॉन इन टू दिस जूसी पीस ऑफ मीट.
तो शेफ साथ में टेस्ट करेंगे? जी हाँ। हाँ आप पहले टेस्ट कीजिए, आपको पता लगे कि हैदराबाद में कैसा आपको कबाब पत्थर का गोश्त लगा। अरे वाह, यू नो माय माउथ इज वाटरिंग इवन एज आई एम होल्डिंग दिस पत्थर का गोश्त इन माय हैंड। दैट अरोमा, दैट स्मोकी अरोमा ऑफ दैट मीट लेयर्ड विद ऑल द स्पाइसेस। गरम है उसका जायका ही कुछ। सबर का फल पत्थर का गोश है। That meat is tender. It's got all that smokiness that you taste on your palate. The spices have come together in the perfect harmony. There is nothing that you taste a little more, nothing that you taste a little less. Sab ek itni achhe se mil gul gaye hain. You can see that the spices have penetrated this meat. तो शेफ धन्यवाद आपका कि आपने हमें बताया कि ये पत्थर का गोश्त, हम तो खाते हैं ये पत्थर का गोश्त लेकिन उसमें क्या जाता है वो पता नहीं, वो अब तक पूरा पता नहीं था। और जो टेस्ट है आपके ये पत्थर के गोश्त में काफी उम्दा है। सो इफ यू आर इन हैदराबाद मेक श्योर दैट यू टेस्ट द पत्थर का गोश्त एंड इफ पॉसिबल कम टू द नोवोटेल हैदराबाद कन्वेंशन सेंटर, शेफ इकबाल से मिलिए उन्हें और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको यही पत्थर का गोश्त बना के खिलाए। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ गौरमे ऑन द रोड, स्टे सेफ एंड हैप्पी ईटिंग। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लीव अ कॉमेंट। If you'd like to support Food Lovers TV, do log on to foodlovers.in and hit the support Food Lovers banner. Links in the description below. Happy eating!